बातचीत आगे शुरू करते हुए हम बताना चाहेंगे कि आज एक बहुत गंभीर मसले पर आपके साथ हम बात करने के लिए बैठे हैं। जहाँ तक आम आदमी पार्टी का इस विषय से, इस मसले से संबंध है, वे तमाम मुद्दे जिन पर हम संघर्ष करते रहे हैं, ये एक मुद्दा ऐसा है जो हमारे दिल के बेहद करीब है। जिस प्रकार हम भ्रष्टाचार पे समझौता करते हुए नहीं दिखाई देते हैं, वैसे ही एक ऐसा विषय है जिस पर हम किसी भी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महिला सुरक्षा के मुद्दे की। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार की लापरवाही हमसे और आपसे और दिल्ली की जनता से, यहाँ की आधी आबादी से छूटी नहीं है। बार बार लगातार प्रयास होते रहे कि केंद्र सरकार की संवेदनाएं जाग जाएं इस विषय पर, ऐसा नहीं हुआ। और आखिरकार निर्भया कांड के बाद महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जो पीआईएल कोर्ट में फाइल हुई थी, हाईकोर्ट में, उसके ऊपर माननीय संजीव सचदेव जी की और बीडीएमए जी की जो खंडपीठ थी, उसने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है केंद्र सरकार की गतिविधियों के ऊपर, केंद्र सरकार के महिला सुरक्षा के मुद्दे पर योगदान के ऊपर। इस खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार महिला सुरक्षा के विषय को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और इसे आगे बढ़ाते हुए इस खंडपीठ ने यह भी कहा कि आप वोट मांगने तो जाते हैं लेकिन अपने वोटर्स, अपने आपका जो इलेक्टोरेट है, जो महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा के प्रति आप बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं हैं। कोर्ट ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए यह भी कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमको आपको फटकार लगानी पड़ रही है, पर हमारा ये काम नहीं है। हम ब्यूरोक्रेसी को डांटते रहें, उनको उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाते रहें और आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटते रहें, यह बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, बहुत कड़े शब्दों में कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। आप लोगों को भी पता होगा, कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद अभी तक दिल्ली के अंदर कोई पुलिस डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट ड्राइव नहीं चली है। हम अपने आप को, हम मानते हैं कि दिल्ली की पुलिस अपने काम पूरे करना चाहती है और हमने अतीत में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि किस प्रकार उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज की कमी का सामना करते हुए वो दिल्ली की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश कर तो रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार की दखलअंदाजी की वजह से वो भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। 24-24 घंटे की ड्यूटी होती है पुलिस वालों की, और मैं अपनी व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर कह रहा हूँ, बहुत सारे ऑफिसर्स, एसएचओ, इंस्पेक्टर से मेरी बात हुई और वो रोते हैं, कहते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर पुलिस बल की आवश्यकता है दिल्ली पुलिस में। 16,000 पुलिस कर्मियों की कम से कम आवश्यकता है दिल्ली की जनता को सुरक्षित महसूस करवाने के लिए, लेकिन मात्र एक आर्थिक कारण का हवाला देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया और कहा 483 करोड़ रुपए इस पर बर्बाद हो जाएंगे। बहुत दुख की बात है कि माननीय मोदी जी महिला सुरक्षा के गंभीर विषय को उठाते हुए केंद्र में, सत्ता में आए, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि 16,000 पुलिस कर्मियों की दिल्ली पुलिस को आवश्यकता है और मात्र 483 करोड़ रुपए दे पाने की असमर्थता को कारण बताते हुए एमएचए ने और वित्त मंत्रालय ने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद बात आती है सीसीटीवी कैमरों के इंस्टॉलेशन की। एमएचए ने, दिल्ली पुलिस ने पता नहीं कहां से 400 करोड़ रुपए का एस्टिमेट बनवाया
और ये 400 करोड़ रुपए भी खर्च करने में अब तक असमर्थ रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद आगे क्या होने वाला है हम और आप सब देखेंगे, लेकिन यह सीसीटीवी कैमरों के इंस्टॉलेशन के ऊपर भी केंद्र सरकार ने अपनी आंखें मूंद ली हैं। बहुत दुख हुआ कि एक लोकप्रिय केंद्र की प्रचंड बहुमत वाली सरकार को हाईकोर्ट को याद दिलाना पड़ रहा है कि आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। जस्टिस संजीव सचदेव जी और जस्टिस बी डी अहमद जी ने बहुत तल्ख लहजे में अपनी नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि हमें आप मजबूर न करें आपके खिलाफ सख्ती बरतने के लिए। आप एक लोकप्रिय सरकार हैं, जनता के प्रति, महिलाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही का एहसास आप खुद कर लें तो बेहतर होगा, वरना आने वाले कल में हाईकोर्ट को मजबूर होकर आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस प्रकार का सख्त दिशा निर्देश ऑब्जर्वेशन पिछली किसी भी सरकारों के खिलाफ महिला सुरक्षा के मुद्दे पर हमारी जानकारी में नहीं आया है, जो इस बात को साबित करता है कि जुमलों की यह सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति लगातार पिछले एक वर्ष से ज्यादा समय से असंवेदनशील रही है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकारी कोष का नियोजन करने के लिए आप कितने भी प्रयास करते रहे हो, आपके कितने भी ऑस्टेरिटी ड्राइव चल रहे हो धन का संचय करने के लिए, फिजूल खर्ची को रोकने के लिए, लेकिन यह सब कुछ महिलाओं की सुरक्षा के साथ समझौता करके हमको मंजूर नहीं है। एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा है और लगभग बुरी तरह से डांटते हुए फटकारते हुए कहा है कि आप अपनी ऑस्टेरिटी ड्राइव अपने पास रखें और इस शहर की, दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करें, वरना हमें कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। आप लोगों को बताएं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार को, मोदी सरकार को, उनकी जिम्मेदारियों का, उनकी गलतियों का एहसास कराया है। आपको याद होगा 23 सितंबर को हाई कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में केंद्र की सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसा मालूम पड़ता है कि केंद्र सरकार का एकमात्र काम दिल्ली के सरकार के कामकाज में अड़ंगा लगाना है। इस पर भी केंद्र की सरकार नहीं चेती और दोबारा मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया और कहा कि केंद्र की सरकार महिला सुरक्षा और ऐसे तमाम गंभीर विषयों पर कुंभकर्ण की तरह सोई हुई है। ये दो महत्वपूर्ण आदेश या ऑब्जर्वेशन दो चीजों में हमारे यकीन को पुख्ता करते हैं। एक तो यह कि इस देश के लोकतंत्र की आस्था अभी भी न्यायपालिका के सहारे जिंदा है और दूसरा विश्वास ये कि बार बार लगातार जनहित के जो विषय हैं, जन कल्याण के जो मुद्दे हैं, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, जन सुरक्षा का मुद्दा, इन तमाम मुद्दों पर केंद्र की सरकार लगातार असफल रही है और अंततोगत्वा न्यायालय को, केंद्र सरकार को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराने के लिए ऐसी सख्त टिप्पणियां देनी पड़ी हैं। इस पृष्ठभूमि में केंद्र की सरकार से हमारे 5 सवाल हैं जो आपके जरिए हम उन तक पहुंचाना चाहेंगे और अपेक्षा रखेंगे कि एक जिम्मेदार और जवाबदेह सरकार होने के नाते केंद्र की सरकार इन 5 प्रश्नों पर अपना पक्ष स्पष्ट करे देश की और दिल्ली की जनता और आधी आबादी के सामने। पहला सवाल कि दिल्ली पुलिस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किस आधार पर सीसीटीवी कैमरों के इंस्टॉलेशन के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट बनाया, क्योंकि हमारे लिहाज से महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों के इंस्टॉलेशन का बजट इससे कहीं कम होना चाहिए। तो वो आधार, वो मानदंड हम जानना चाहेंगे जिसके आधार पर इस बड़े फिगर तक एमएचए और दिल्ली पुलिस पहुंची है और इस मामूली सी रकम को, क्योंकि हमारे बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए 400 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है, हमारा मानना ये। तो
वो कौन से मानदंड आधार पैमाने थे यह देश की दिल्ली की जनता जानना चाहेगी, आम आदमी पार्टी का पहला प्रश्न है। दूसरा सवाल हमारा भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार से यह है कि महिला सुरक्षा का मुद्दा चुनाव के पहले उनके लिए सबसे संवेदनशील मुद्दा था। अब ऐसा क्या हो गया कि केंद्र की सरकार महिला सुरक्षा के मुद्दे पर लगातार असंवेदनशील नजर आ रही है और लापरवाही कर रही है? ये केंद्र की सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से देश की दिल्ली की जनता का दूसरा प्रश्न है। तीसरा सवाल, ऐसे कौन से कारण हैं या ऐसा क्यों हुआ कि कोष का अभाव जान पड़ रहा है वित्त मंत्रालय को कि दिल्ली पुलिस जहां रिसोर्स की कमी से जूझ रही है, जहां उनको 16,000 पुलिस कर्मियों की सख्त आवश्यकता है, मात्र 483 करोड़ रुपए खर्च न कर पाने की वजह से वित्त मंत्रालय दिल्ली पुलिस की इस कमी को पूरा नहीं कर पा रहा है, यह वित्त मंत्रालय से दिल्ली की देश की जनता का तीसरा प्रश्न है। चौथा सवाल कि अपने चुनाव के वायदे को पूरा न कर पाने की स्थिति में महिला सुरक्षा का वायदा था केंद्र सरकार का 483 करोड़ रुपए खर्च करने में अक्षम है, निर्भया खंड का क्या हुआ उसका कुछ अता पता नहीं है, दिल्ली की सरकार भी निर्भया खंड से कोष लेने की अपेक्षा रखती है, तो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जब अपना वायदा नहीं पूरा कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो क्या केंद्र की सरकार इस देश की जनता से इस मुद्दे पर क्षमा याचना करेगी या देश की और दिल्ली की जनता का केंद्र सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न, ये सारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं, 23 सितंबर का हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन, मंगलवार का माननीय उच्चतम न्यायालय का ऑब्जर्वेशन और दिल्ली हाईकोर्ट का महिला सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र की सरकार को जो सख्त निर्देश जारी हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का इन ऑब्जर्वेशन, इन सख्त दिशा निर्देशों के ऊपर क्या प्रतिक्रिया है, यह देश की दिल्ली की जनता जानना चाहती है और यह उनका पांचवा प्रश्न है। इन पांचों प्रश्नों पर हम भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार से जवाबदेही के नाम पर, पारदर्शिता के नाम पर, जिम्मेदारी के नाम पर उनका रुख जानना चाहते हैं, उनका स्पष्टीकरण जानना चाहते हैं और आप लोगों से भी निवेदन करेंगे कि इन विषयों की गंभीरता को समझते हुए लगातार उन पर दबाव बनाए रहें ताकि उनकी जवाबदेही सुनिश्चित रहे। इस विषय पर दिल्ली की सरकार ने क्या कामकाज किए हैं, कौन से कदम उठाए हैं, इस बारे में जानकारी देंगे माननीय भावना गौड़ जी। देखिए, अच्छा, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भावना जी पालम विधानसभा से आम आदमी पार्टी की विधायिका हैं और आम आदमी पार्टी के महिला प्रकोष्ठ की राज्य की अध्यक्षा भी और डीडीसी चेयरमैन हैं। देखिए, जिस मुद्दे को लेकर के आज हम सब बात कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर मुद्दा है और मैं विशेष तौर पे महिला हूँ तो महिलाओं के मुद्दे से, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पे तो मैं आपसे बात करूँगी, लेकिन मैं जिस सरकार का हिस्सा हूँ उस सरकार की जवाबदेही केवल महिलाओं के लिए नहीं है, संपूर्ण मानव समाज के लिए है जो कम से कम दिल्ली में रह रही हैं, वो चाहे पुरुष हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएँ हों, सुरक्षा सबका विषय है। हमारी सरकार पूरी जागरूकता के साथ में कार्य कर रही है। अपने घोषणा पत्र में हम लोगों ने ये तय किया था कि विशेष तौर पे महिलाओं को सम्मान देने का और उनको सुरक्षा देने का कार्य अगर कोई करेगी तो आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। हम सभी 67 विधायक और मुझे तो लगता है कि जो 3 बाकी बचे हैं उनको भी महिला सुरक्षा को लेकर के गंभीर होना चाहिए। हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में ये तय किया था कि बहुत सारे साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे दिल्ली सरकार की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी देना चाहूँगी, अभी स्वयं दिल्ली पुलिस ने एक सर्वे करवाया
उसमें लगभग 274 पॉइंट, ये दिल्ली पुलिस का करवाया हुआ सर्वे है, 274 पॉइंट दिल्ली के अंदर आज भी ऐसे हैं जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के अति संवेदनशील हैं। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे सारे ऑफिसर्स को बुला करके इस तरह का आदेश दिया है कि ये अति संवेदनशील मुद्दे, अब अति संवेदनशील स्थान जो अंधेरे में है अपने आप में, वहाँ रोशनी की पूरी तरह से व्यवस्था की जाए। उसके साथ ही साथ में विशेष तौर पे उत्तरी दिल्ली और उसके साथ में दक्षिणी दिल्ली, जहाँ पर पेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है, समय समय पर उनकी कटाई छटाई नहीं हो रही है, उनका कटाई छटाई का काम को दुरुस्त कर दिया जाए। अभी हम लोगों ने लगभग 200 बसों के अंदर CCTV कैमराज हम लोगों ने लगाए हैं और ये विशेष तौर पे हमें सहयोग मिलेगा महिलाओं की सुरक्षा के लिए। इसके साथ साथ में हम लोगों ने लगभग 28 टीमें हम लोगों ने तैयार की हैं जो बसों के अंदर जाकर के औचक निरीक्षण करती हैं, महिलाएं परेशान तो नहीं हैं, महिलाओं के साथ में कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा, इस तरह की 28 हम लोगों ने छोटी छोटी टीम्स तैयार की हैं जो दिल्ली की विभिन्न बसों के अंदर सफ़र करने वाले लोगों के बीच में जाती हैं। इसके साथ साथ में हम लोगों ने लगभग 1500 गार्ड्स हम लोगों ने हर बसों के अंदर नियुक्त किए हैं। आने वाली विभिन्न तरह की परेशानियों से महिलाएं घिरती हैं, सफ़र करती हैं, सुरक्षित तरीके से अपने घर से निकलें, सुरक्षित तरीके से अपने घर तक पहुँचें, ये जिम्मेवारी विशेष तौर पे हमारी सरकार की, हमारे सरकार के चुने हुए नुमाइंदों की तय होती है। और मैं विशेष तौर पे आपसे कहना चाहूँगी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आम आदमी पार्टी, इसका पहले एजेंडा इसके घोषणा पत्र में शामिल है और हम वचनबद्ध हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बुज़ुर्गों की सुरक्षा के लिए, यहाँ दिल्ली के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से वचनबद्ध है और इसके लिए हमें जो भी कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। मैं एक बात और कहना चाहूँगी आपको, निर्भया कांड हुआ, केंद्र सरकार ने अपनी जागरूकता दिखाई, निर्भया फंड योजना के नाम से एक योजना उन लोगों ने शुरू की, मुझे नहीं लगता उसमें से अभी तक एक भी पैसा खर्च हुआ है। हम लोग स्वयं गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से टाइम मांग रहे हैं, उनको कहेंगे कि कम से कम जो फंड राशि आपने महिलाओं की सुरक्षा के लिए तय की है उसको तो कम से कम लोगों के बीच में लेकर के आए। और ये महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के केंद्र और राज्यों का बंटवारा आप लोग ना करें, कम से कम अपने चैनलों के माध्यम से। महिला की सुरक्षा की जिम्मेवारी जितनी राज्य सरकार की है उतनी केंद्र सरकार की भी है, और अगर केंद्र सरकार अपने तरीके से काम करती तो ये जो हाईकोर्ट का डिसीजन आया है और केंद्र सरकार को फटकार लगी है तो स्वाभाविक तौर पे वो सब कुछ नहीं होता। हम अति आभारी हैं हाईकोर्ट के और उनकी खंडपीठ संजीव सचदेव जी और BD अहमद जी के, उन्होंने कम से कम केंद्र सरकार को याद तो दिलाया, उनको चेताया कि आप लोगों की जिम्मेवारियां क्या हैं और आप किन चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे। धन्यवाद। साथियों, कल मोदी जी की टिप्पणी पर और महेश शर्मा जी ने जो साहित्यकारों के द्वारा अवार्ड वापस किए जाने के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी उस पर हम लोगों ने अपनी बात कही थी, लेकिन ये सिलसिला निरंतर जारी है। वित्त मंत्री जी ने कहा कि ये जो सारा विरोध हो रहा है बुद्धिजीवियों का, लेखकों का, साहित्यकारों का, जो वो अपने अवार्ड वापस कर रहे हैं, जो धन राशि वापस कर रहे हैं, क्योंकि अवार्ड के साथ साथ बड़े पैमाने पर साहित्यकारों ने साहित्य अकादमी अवार्ड वापस करने के साथ साथ धनराशि भी वापस की है, क्योंकि ये प्रचार किया जा रहा था भाजपा और संघ के लोगों के द्वारा कि खाली अवार्ड नहीं धनराशि भी वापस कर दो, उकसाया जा रहा था, उन्होंने धनराशि भी वापस की। उस पर वित्त मंत्री जी का बयान आता है कि ये विरोध बनावटी है, ये विरोध मैन्युफैक्चर्ड है, ये विरोध प्रायोजित तरीके से किया जा रहा है।
पंजाब के लेखक, महाराष्ट्र के लेखक, कर्नाटका के लेखक, उत्तर प्रदेश के लेखक, बंगाल के लेखक, इनकी क्या व्यक्तिगत दुश्मनी है नरेंद्र मोदी जी से? इनकी क्या व्यक्तिगत दुश्मनी है अरुण जेटली जी से और उनकी सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से? वो तो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी लेखनी के लिए प्रसिद्ध हुए, उनकी कलम की ताकत को देश की सरकारों ने सर झुका के सलाम किया और उनको पुरस्कृत किया, सम्मानित किया। क्या कारण है कि आज इतने बड़े पैमाने पर देश के साहित्यकार अपना अवार्ड वापस कर रहे हैं? आज 100 लेखकों ने, बुद्धिजीवियों ने महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और कहा है कि देश के अंदर जो कुछ चल रहा है ये ठीक नहीं है। कर्नाटका में कालबुर्गी की हत्या का मामला हो, या दादरी कांड हो, या चर्च पे हमले हो, या आदित्यनाथ का बयान हो, साक्षी महाराज का बयान हो, साध्वी प्राची का बयान हो, या सुधींद्र कुलकर्णी का चेहरा काला कर दिया जाए, या गुलाम अली का कार्यक्रम जबरन रद्द करा दिया जाए, इन सारे मसलों पर देश के प्रधानमंत्री जी खामोश रहते हैं। उनको, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती और वो खुद देश की धर्मनिरपेक्षता का मजाक उड़ाते हैं। तो जब देश का प्रधानमंत्री धर्मनिरपेक्षता का मजाक उड़ाएगा, भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाएगा, हमारी सभ्यता का मजाक उड़ाएगा, भाईचारे का मजाक उड़ाएगा, गंगा जमनी तहजीब का मजाक उड़ाएगा, तो उसके वित्त मंत्री भी उड़ाएंगे, उसके संस्कृति मंत्री भी उड़ाएंगे, उनके सांसद आदित्यनाथ और जोर से बोलेंगे, संगीत सोम जी और भड़काऊ भाषण देंगे। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इन सारी घटनाओं के लिए, और आज एक मराठी लेखिका ने अपना 5 अवार्ड वापस कर दिए, कहीं ना कहीं इन सारी घटनाओं के पीछे देश के प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे मामलों में खामोश रहते हैं। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का अपमान होता है तो वो खामोश रहते हैं, ये अनायास नहीं है, ये लोगों को समझ में आ रहा है। आप हवा देते हैं चीज़ों को। आप जब नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा जाता है, जो लोग राम का मंदिर बनाने निकले थे वो नाथूराम का मंदिर बना रहे हैं, तो जो लोग नाथूराम गोडसे को राष्ट्रभक्त कहते हैं वो आपके सांसद हैं साक्षी महाराज, अब तक क्यों नहीं निकाला आपने पार्टी से उनको? इसका मतलब आप इस विचारधारा के पोषक हैं, आप इस विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं। और अरुण जेटली जी का जो बयान आया है वो गालिब की एक लाइन है जिसको मैंने अभी ट्वीट किया है कि रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों? आप सता भी रहे हैं, आप अत्याचार भी कर रहे हैं, आप देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल पैदा कर रहे हैं, गौ मांस के ऊपर नफरत की दीवार खड़ी कर रहे हैं, उसकी चर्चा इतनी आगे बढ़ा रहे हैं कि व्यक्तिगत टीका टिप्पणी और गाली गलौज तक चीजें जा रही हैं राजनेताओं के बीच में। और इससे दुखी होकर लेखक जो बंदूक नहीं चला सकता, जो आपके साथ गाली गलौज नहीं कर सकता, जो आपस में एक दूसरे के साथ तल्ख टिप्पणियां नहीं कर सकता, कम से कम वो अपनी कलम से कुछ लिख रहा है और आपका विरोध दर्ज करा रहा है, तो आप उसको विरोध भी दर्ज नहीं कराने देंगे? ये किस प्रकार की सरकार चल रही है? और आज मराठी लेखिका ने साफ तौर पे कहा है कि 1975 से बदतर हालात हैं, यानी आपातकाल के दौरान जो हालात थे उससे बदतर हालात पैदा हो रहे हैं देश के अंदर। तो आम आदमी पार्टी, हम लोग हमेशा नफरत की राजनीति के खिलाफ खड़े रहे हैं, इस पर एक अभियान देशव्यापी चलाने की बात कल दिलीप जी ने की थी, और निश्चित रूप से अब इसको लेके पार्टी गंभीर है। हम पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे, जिससे वो प्रायोजित तरीके से साजिश करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे पर देश में नफरत की राजनीति को फैलाना चाहते हैं। कोई सवाल? कोई सवाल?
देखिए, शिवसेना हो या भारतीय जनता पार्टी, पहली बात तो ये कि महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की पुलिस थी देवेंद्र फडणवीस जी की, दिल्ली में भी मोदी की पुलिस है, गृहमंत्री यहाँ की सुरक्षा को देखते हैं, तो इस पर सीधे तौर पर उनको प्रतिक्रिया देनी चाहिए, उनका बयान आना चाहिए, लेकिन मुझे मालूम है आएगा नहीं। आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली की सरकार पूरी तरह से गुलाम अली का जी का कार्यक्रम कराने के लिए प्रतिबद्ध है, और हम अपने कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज खड़ी करके उनको हर प्रकार की सुरक्षा देंगे, उनके कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचने देंगे, उनके कार्यक्रम का आयोजन होगा। अब तय मोदी जी को करना है और गृहमंत्री जी को करना है कि वो दिल्ली में गुलाम अली के कार्यक्रम का शिव सैनिकों का विरोध होने देते हैं या नहीं होने देते हैं, क्योंकि ये वो शिव सैनिक हैं जिनके अंदर ये दम नहीं हुआ, ये हिम्मत नहीं हुआ कि जब नवाज शरीफ को बुला के उनका शपथ ग्रहण कराया जा रहा था उनके मंत्रियों का, तब शिव सैनिकों में हिम्मत नहीं था कि अपने मंत्रियों को जाके चेहरे पे कालिक लगा दें कि आप नवाज शरीफ के सामने शपथ मत लीजिए। तब अपने मंत्रियों को आपने शपथ दिलाई, तब आपने विरोध नहीं किया, उसके बाद आप महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हो गए, वहां आपका कोई विरोध नहीं है। अब गुलाम अली जो 40 साल से देश के अंदर, विदेशों में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाके गजल गायकी कर रहे हैं, और जिनकी गजल गायकी में उन्होंने गाया कि दीवाली में अली, राम रमजान में, सबका मालिक एक है जहान में, जो एक जहती की बात करते हैं, जो भाईचारे की बात करते हैं, जिनके जिनके बारे में कभी सांप्रदायिक होने का या कभी कोई नफरत की बात करने का दूर दूर तक कभी कोई आरोप नहीं है, ऐसे व्यक्ति का आप विरोध कर रहे हैं हिंदुस्तान में, किस प्रकार से आप दुनिया के देशों को संदेश देना चाहते हैं। और इनकी एक गजल है गुलाम अली की कि कैसी चली है अब के हवा तेरे शहर में, बंदे भी हो गए हैं खुदा तेरे शहर में। तो ये जो शिव सैनिक हैं, ये खुदा अपने आप को समझ रहे हैं, भगवान समझ रहे हैं। इन्होंने सुधींद्र कुलकर्णी की तुलना मोहम्मद कसाब से कर दी, जो खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, बहुत पुराने नेता रहे हैं भाजपा के। वो एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे, उनके विरोध में चेहरा कालिक कर दिया और उसके साथ साथ उनकी तुलना मोहम्मद कसाब से कर दी। तो अब आप समझ लीजिए कि किस तरह की विचारधारा और कैसी सोच है। लेकिन इसीलिए पूरे देश में साहित्यकारों का विरोध हो रहा है, लेखकों का विरोध हो रहा है, बुद्धिजीवियों का विरोध हो रहा है, आम आदमी पार्टी अपना विरोध दर्ज करा रही है, और हम चुप नहीं बैठेंगे। ऐसी राजनीति को जनता नकारती है। जब 11 सीट पे बाय इलेक्शन हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसके पहले प्रायोजित तरीके से आदित्यनाथ ने लव जिहाद की चर्चा चलाई थी, उस पर नफरत फैलाने की कोशिश की थी, क्या हुआ, 8 सीट हार गई बीजेपी। अभी ये गौ मांस की चर्चा कर रहे हैं, अभी क्या हालत हो गई है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पोस्टर उतरने लगे बिहार में। ऐसे सेनापति हैं मोदी जी जो चुनाव का परिणाम आने से पहले ही मैदान छोड़ के भाग लिए, वहां से पोस्टर उतर गया मोदी जी का, वहां लोकल लीडर्स के पोस्टर लग रहे हैं, अमित शाह के पोस्टर हट रहे हैं, मोदी के पोस्टर हट रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर बुरी तरह से पराजय हो दिल्ली की तरह, तो आरोप किरण बेदी जी पे डाला जा सके। इसी तरह से कुछ वहां लोकल लीडर्स पे आरोप डाल देंगे कि साहब मोदी जी से तो पूरा देश प्रभावित था, लेकिन बिहार के नेताओं की कुछ कमियां थी जिसकी वजह से वह हार गए। तो मेरा ये कहना है कि आपको बिहार के परिणाम से भी लगेगा, और धीरे धीरे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है वोट की, सड़क पर भी विरोध दर्ज कराएंगे और वोट की ताकत से भी जनता अपना विरोध दर्ज कराएगी। देखिए, सीसीटीवी कैमरा लगाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है, राज्य सरकार की भी है। हमें जहां जिम्मेदारी है,
हम उसको पूरा कर रहे हैं। बसों में सीसीटीवी कैमरा लगाना हो या जिन जगहों पे और लगाना है सीसीटीवी कैमरा, दिल्ली की सरकार लगाएगी। मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, 200 बसेस पे लगाया गया और बहुत सारी जगहों पे सीसीटीवी कैमरा सरकार लगा रही है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, सवाल है नीयत का। जब दामिनी का कांड हुआ तो पूरे देश ने संकल्प लिया महिला सुरक्षा का। जब मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने नारा दिया, बहुत हुआ नारी पे वार, अब की बार मोदी सरकार। जब लाल किले पे पहला भाषण देने के लिए आए मोदी जी तो उन्होंने कहा कि बेटों को घर से जाने देते हो, बेटियों को रोकते हो। पूरा देश भावुक हो गया, लोगों को लगा कि देश के प्रधानमंत्री महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, संवेदनशील हैं, कुछ करेंगे। जब बजट आपने दिया तो महिलाओं की सुरक्षा पे आज की तारीख में 15 से 25 पैसे रोजाना खर्चा हो रहा है। जब आपने बजट दिया तो उसमें दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात नहीं की। आप अपनी तरफ से बजट में इस चीज़ को लगा सकते थे क्योंकि दिल्ली की सुरक्षा सीधे तौर पे गृह मंत्री के हाथ में है, वो लगा सकते थे। इसकी मॉनिटरिंग पुलिस करती। अगर आज दिल्ली सरकार सीसीटीवी कैमरे लगवाएगी लेकिन उसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी में दिल्ली की पुलिस अड़ंगे खड़े करेगी, ये आप भी देखेंगे। उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, दिल्ली की पुलिस उसमें 300 कमियां निकालने की कोशिश करेगी, ये भी आप देखेंगे। उसको हम लोग लगवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, करेंगे। सरकार तेजी किस में दिखाती है, ये उदाहरण भी आपके सामने है। जब ओबामा साहब आए तो 25,000 सीसीटीवी लगवा दिया गया, उनके 3 दिन की सुरक्षा के लिए, 4 दिन की सुरक्षा के लिए। तो जब आप एक देश के राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवा सकते हैं तो दिल्ली के लाखों महिलाओं की सुरक्षा के लिए और बाहर से आने वाली भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश की राजधानी में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगवा सकते, ये प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई भी पार्टीगत भावना से ऊपर उठ के दिल्ली सरकार को जो करना है दिल्ली सरकार करे, केंद्र सरकार को जो करना है जिसपे उनको फटकार मिली है वो तो कम से कम अपनी तो जिम्मेदारी पूरी करे। मैंने अभी कल एक फोटो देखी थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता जसवंत सिंह जी और हेमा मालिनी जी विरोध दर्ज करा रही हैं और वो बता रही हैं कि 2004 में 25 रुपए किलो दाल बिकती थी या 32 रुपए किलो बिकती थी और 2009 में वो दाल जो है वो 55 रुपए किलो हो गई। अब आप सारे लोगों को प्रश्न पूछना चाहिए मोदी जी से कि आज तो दाल 200 रुपए किलो हो गई। अभी मैं बनारस गया था और आप सब लोग भी बनारस के चुनाव को देखे होंगे, वहाँ नारा लगा था हर हर मोदी घर घर मोदी। हमारे पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश में अरहर की दाल बहुत खाई जाती है, अब उसका दाम हो गया 200 रुपए किलो। अब बनारस में पोस्टर लगे हैं अरहर मोदी अरहर मोदी। तो ये हालत हो गई है मोदी जी की, उनको देश की महंगाई पर गंभीरता से कदम उठाना चाहिए। हमने तो दिल्ली के अंदर दाल पकड़े हैं, जो दालों की यहाँ जमाखोरी हो रही थी उसको हमने पकड़ने का काम किया दिल्ली के अंदर। ये देश में दाल के दाम हो या प्याज के दाम हो या किसी भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत की चीज़ों के दाम हैं या अचानक जब बढ़ते हैं तो इसके पीछे जमाखोरी एक बहुत बड़ा कारण होती है। तो इस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए भाजपा की, जहाँ पे भाजपा की जहाँ सरकार है, या केंद्र सरकार को भी इस पर कदम उठाना चाहिए। जी पहली चीज़ तो ये कि दिल्ली की सरकार ने दालों की जमाखोरी पे जो छापे मारे हैं उसका एग्जैक्ट आंकड़ा तो मैं अभी आपको दे दूंगा पूछ के, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे देश में सबसे बड़ी जमाखोरी दाल की पकड़ी गई है दिल्ली में।
ये आंकड़ा मौजूद है, उसको आप देख लीजिएगा, एग्जैक्ट फिगर मैं आपको दे दूंगा। और दूसरी बात कि हर चीज के लिए राज्य सरकार को तुरंत जिम्मेदार ठहराना भी ठीक नहीं है। अगर सफल के स्टोर हैं यहाँ पे, केंद्र सरकार के पास सस्ती दालें हैं, तो उनको उस स्टोर से उपलब्ध कराने में किसने रोक लिया? अरविंद केजरीवाल जी ने उनको मना कर रखा है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ कि हमने प्याज के मामले में कदम उठाया, हमने प्याज को लेके अपने जो सरकारी राशन की दुकानें थी वहाँ से सस्ती प्याज बिकवाई। जो केंद्र के स्टोर हैं, अगर उनके पास सस्ती दाल मौजूद है, दरअसल हालत यह है कि सस्ती दाल आज की तारीख में किसी स्टोर पे नहीं मिल रहे हैं, सारों ने महंगा कर रखा है। कई कई राज्यों में तो बहुत महंगी दाल की कीमत है। लेकिन जो कदम हमको उठाना है हम उठा रहे हैं, वो इसी के कारण हमने जमाखोरी में छापे मारे और दाल को पकड़ा है, कई टन दाल पकड़ी गई है, 21,000 टन दाल। देखिए, इस पे तो पूरी घोषणा दिल्ली की सरकार करेगी, लेकिन मोटे मोटे तौर पे मुझे जो जानकारी है, ये कोई प्रधानमंत्री जी के विरोध में हम कोई अलग से अभियान चला रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका जो स्वच्छ भारत अभियान है वो पूरी तरह से दूसरे राज्यों में विफल हुआ है, और खुद उनकी पार्टी की सरकार जहां पर है उन सरकारों ने भी इस अभियान में उनका सहयोग नहीं किया है। दिल्ली तो ऐसी हालत में एमसीडी ने पहुंचा दिया है कि कूड़ा घर में तब्दील हो गया। तो इस अभियान के तहत हमारा मकसद दिल्ली को साफ करने का है, और प्रधानमंत्री जी ने अगर स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश में उसकी घोषणा कर रखी है, प्रचार कर रखा है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को भी हिस्सा लेना चाहिए दिल्ली सरकार के साथ। हमने तो मोदी जी के साथ हिस्सा लिया था, जब मोदी जी ने इस अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर को की थी तो उस पर झाड़ू जाके अरविंद केजरीवाल जी ने भी चलाया था। कल पंजाब के अंदर पुलिस और जनता के बीच में लोकतांत्रिक ढंग से अपना विरोध करने वाले लोगों के ऊपर पंजाब की पुलिस ने, पंजाब की सरकार ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, गोलियां चलाई हैं, और जिसमें कई लोग मारे भी गए, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना ये है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया गया है, और इसमें 4 महीने से बादल जी की सरकार चुप थी, जो नेल्सन मंडेला की सरकार चल रही है पंजाब में, वो नेल्सन मंडेला की सरकार 4 महीने से इस मसले पर खामोश थी। श्री गुरु ग्रंथ साहब के अपमान में जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब आपको सूचना मिली तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। आप 4 महीने तक उस मसले पर खामोश रहे, और जब जनता ने उस पर विरोध दर्ज कराया तो आपने उस पर लाठियां चलवा दी, उसके ऊपर गोलियां चलवा दी। आज पूरा पंजाब बंद है, लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। मैं पंजाब की जनता से भी हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि पंजाब की शांति को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सारे लोगों की है, वहाँ के नागरिकों की है। अहिंसात्मक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतंत्र के अंदर हमको विरोध करने का, दर्ज कराने का जो अधिकार है उसको हम बिल्कुल इस्तेमाल करें, उसमें कहीं हम पीछे ना हटें। अनशन करना है, धरना करना है, प्रदर्शन करना है, लेकिन हम पंजाब की शांति व्यवस्था को पूरी तरीके से बनाए रखें। दूसरी बात, बादल साहब से मैं आप लोगों के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपा करके इस मसले को और आगे बढ़ने ना दें। जो इसके दोषी लोग हैं तत्काल उनकी गिरफ्तारी करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, वरना पंजाब में ये मामला आग की तरह और फैलेगा और स्थितियां खराब होंगी, जिसको संभालना सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगा। थैंक यू।